गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यूट्यूब के क्रिएटर कैंप में। ये 3 साल के बाद अभी हो रहा है, कोविड के बाद से नहीं हुआ था। और ये देखिए हमें आई कार्ड मिला है ये वाला, और ये कैप मिली है। आई लव दिस एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, एक नया एक्सपीरियंस है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है, कैसा माहौल है। ये देखिए, ये है यूट्यूब का क्रिएटर कैंप। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो कि मेरा ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए, ये है यूट्यूब का क्रिएटर कैंप। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आए हुए हैं। ये सारे क्रिएटर्स ही हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुई है और ये हमें मिला है। देन आगे की, जब रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे ना, फिर आगे की चीज़ें कवर होंगी। और जैसे क्रिएटर्स हैं तो उन्हीं को यहाँ पर अलाउ किया गया है। जैसे पहले क्या था कि भाई 2 आ सकते हैं, लेकिन उनका भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब हम क्रिएटर्स का क्या है कि भाई 1 कैमरामैन तो ज़रूर चाहिए, लेकिन जो साथ में थे उनको वापस जाना पड़ा है। मेरी सिस्टर को लाने वाली थी, लेकिन इसी वजह से वो नहीं आ पाई, क्योंकि 1 चैनल पे 1 की ही एंट्री थी। और अभी मैं 1 क्रिएटर से और मिली थी, तो उनके साथ भी उनके कैमरामैन आए थे, लेकिन उन्हें बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उनका भी मतलब बोल रहे थे कि एंट्री नहीं होगी, लिमिटेड सीट ही हैं। लाखों फॉर्म गए थे, लेकिन हम कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पाए हैं। तो देखते हैं आगे की कार्रवाई कैसी होती है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, आप देख रहे होंगे कितने सारे क्रिएटर्स हैं और अलग अलग जगह से आए हैं। और आपकी मैम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है, उन्हें यहाँ पर मुंबई में आने का मौका मिला। सेंट रेगिस यहाँ का 5-स्टार होटल है, और यहीं पर ये क्रिएटर कैंप हो रहा है मुंबई में, रॉयल परेल में। और आगे की जो अपडेट होगी मैं आपको देती रहूँगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल तो, और एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके बाय। हमें एक बैच लेना था जो कि मैं ले चुकी हूँ। ये देखिए, वहाँ पर जो काउंटर है वहाँ से लेना था कि आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या कहाँ क्रिएटर हैं, तो ऐसे करके सिलेक्ट करना था। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई एम शॉर्ट क्रिएटर एंड एजुकेटर, तो मैंने ये चूज़ किया है। कैसा लगा आप सभी बताइएगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मुंबई में एक नया एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शॉर्ट शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। हेलो गाइस, अब हमें यूट्यूब क्रिएटर कैंप में मिले हैं विश्वामित्र। और अभी बताएंगे चैनल का नाम अपना, सब्सक्राइब कर देना सभी। हाँ गाइस, मेरे चैनल का नाम है विश्वामित्र किंगरानी। जाओ देखो, मज़ेदार वीडियोस मिलेंगे, हंसोगे आप लोट पोट के। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दो सब। भाई काफ़ी अच्छी, मैंने भी थोड़ी सी वीडियोस देखी हैं, ऐसे मन की फनी वीडियो बनाते, कह रहे हाँ भाई आजकल लोग हंसते ही कहाँ हैं, तो ये काम वो कर रहे हैं, तो हंसाने का मौका मिल रहा है यार, मज़ा आता है हंसाने का मौका। और मैं घर पर जाके सारी वीडियो देखने वाली हूँ उनकी, क्योंकि मैं तो हंसने हंसाने में बिलीव करती हूँ। वैसे भी लोग मुँह चढ़ा के रहते हैं, तो अब ये काम वो कर रहे हैं तो मैं इनकी वीडियो फॉलो करूँगी। आप लोग भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, देखो भाई यहाँ का नज़ारा, काफ़ी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, फोटोज वगैरह लिए जा रहे हैं। गाइस ये देखो सेंट रेगिस जो होटल है मुंबई में, यहाँ पर खाने के लिए देखो। एंड ये देखो, ये है बाहर का व्यू मुंबई का, देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पर एक से एक क्रिएटर्स हैं, और अभी ऐसे खाने की कोई इच्छा नहीं हो रही। आपको दिखाती हूँ बड़े बड़े क्रिएटर्स आए हुए भाई, अभी तो 3-4 से ही मुलाकात हुई है। अभी देखते हैं, घूमते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है, 6 बजे तक ये प्रोग्राम है। और बस 2-3 लोगों से मुलाकात हुई है, अच्छे लोग मिले हैं, और काफ़ी जानकारी भी हासिल हुई है। सो अभी एक से क्रिएटर्स है, बस एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की है। और जितना मैं आपको बता पाऊँगी कि क्रिएटर कैंप में क्या क्या होता है, कैसे एंट्री होती है, वो सब आपको डिटेल में बताऊँगी। क्योंकि जब जैसे फर्स्ट टाइम आते हैं ना, तो
थोड़ी नर्वसनेस तो सभी को होती है, ऐसी कोई वो वाले बात नहीं है। काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो पहली बार आते हैं और आप देख पा रहे हैं ये मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री पे ही मिल रहे थे और यहाँ पर सब भाई खा पी रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है ये सब खाने पीने का जो है, सारे क्रिएटर्स ही हैं। ये टेक्निकल ग्रुप है ना जो रूम सुन रहा हूँ और ये वही है, ये देख पा रहे होंगे आप टेक्निकल ग्रुप जी, तो इनसे लोग मिल रहे हैं। सब अभी फोटोशूट चल रही है सब और यहाँ पर भी ये प्रोग्राम है, ये देख पा रहे हैं। इधर अलग अलग एक्टिविटी हो रही है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो पता चलेगा। एंड काफ़ी अच्छे लोग हैं, हंसमुख हैं सब और इधर सब ये क्रिएटर्स ही हैं। हम तो जानते भी नहीं, आधों को जानते हैं एक दो को और तो नहीं जानते हैं क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं अब जिनके शॉर्ट्स देखे हैं कभी, या क्योंकि एजुकेटर हैं हम तो हमें तो कम ही टाइम मिल पाता है भाई शॉर्ट्स वगैरह देखने का, तो इतनी ज़्यादा तो पता नहीं है। काफ़ी ब्लॉगर भी आए हुए हैं, शॉर्ट्स क्रिएटर आए हुए हैं, लेकिन अलग ही एक्सपीरियंस है। आपकी मैम को भी आने का मौका मिला तो यही मतलब बहुत कुछ है, यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के गेन करके जाने वाली हूँ। और ये भी कि भाई अकेले सर्वाइव कैसे करते हैं और हर जगह आज मुझे पूजा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि हम दोनों सिस्टर अकेले ही हर जगह, मतलब उसके साथ ही सब कुछ स्टार्ट किया है लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं थी। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि भाई एक को आए थे उनके साथ कि मैम हमारी वीडियो कौन शूट करेंगे, हम अकेले तो कर नहीं सकते, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली तो एक ही चैनल पे एक ही क्रिएटर आ सकते थे, इस वजह से उनको जाना पड़ा। तो बस यही है भाई, अकेले ही मैनेज करना होता है कई बार बहुत कुछ, लाइफ यही है, हर कोई हमेशा साथ नहीं होता है, कोशिश करते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं पूजा को अपने साथ ला पाऊँ क्योंकि उसके बिना सच में मैं बहुत अधूरी हूँ और मुझे बहुत कमी महसूस होती है उसकी, लेकिन ठीक है यार मैनेज करना ही पड़ता है, यही लाइफ है। बट अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मैं और भी आपको दिखाने की कोशिश करती, खाने पीने का के लिए मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, अच्छा अरेंजमेंट है और दो दोस्त भी बने हैं अभी वो वीडियो व्लॉगिंग वगैरह करे और लोगों से मिल रहे हैं, सो देखते हैं। और क्रिएटर्स मैंने एक दो क्या पता जान पहचान का मिल जाएगा, देखती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। बाय। जो मैंने एंट्री करी थी एंट्री का दिखा दिया था, ये यहाँ पर जैसे फोटो कैम क्लियर है मैं दिखा पा रही हूँ आपको, तो ये फोटो कैम क्लियर है और इधर भी फोटो शूट कर ही रखा इन्होंने और इधर जो हमने फोटो शूट कर ली है और बस ऐसे ही घूम रहे हैं अभी। तो बाहर का दिखाती हूँ आपको, ठीक है, मुंबई में बाहर का कैसा लगता है। हाँ ये देखो बाहर का नज़ारा देखो भाई, तुम मजे आ गए आना मुंबई, ठीक है, तो यहाँ घूम के जाना तुम, ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ, बारिश हो रही हल्की हल्की, अंदर भी क्या करें अकेले बोर हो जा, ठीक है, और लाइफ है अकेले भी मैनेज करना पड़ा है कभी कभी, है दिक्कत परेशानी नहीं है पर भाई ये देखो तुम नज़ारा देखो यहाँ का, बाहर तो मुझे शांति सी मिल जा, अंदर तो भाई सब फोटो शूट कर रहे वीडियो बना रहे इसी काम के लिए तो आए हम, सो ठीक है अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है भाई। ये देखो, ये देखो तुम मुंबई देखो, मुंबई ये मुंबई मेरी जान, ठीक है, मुझे तो सबसे अच्छी कैब लग रही मेरे ना, मेरे को एनसीसी के दिन याद आ गए, एनसीसी में ऐसी ही कैब मिली थी हमें और आज ये यूट्यूब की अचीवमेंट है, ये आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया। प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को ग्रो होने में हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन की एक से एक अच्छी वीडियो बना सकूँ और ऐसे ही आपकी मैम को अपॉर्चुनिटी मिलती रहे आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप सब साथ हैं तो ये संभव हो जाएगा, मुझे पता है क्योंकि 8 महीने में आपकी मैम यहाँ मुंबई पहुँच गई भाई, आप सबकी वजह से ही पहुँची हैं, आपके बिना मेरा अस्तित्व ऐसे जीरो है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, है ना। और ये मतलब बहुत प्राउड मोमेंट है, मतलब ये मिलना, आई कार्ड मिलना, बैच मिलना, कैप मिलना, तो इसका जो ये फीलिंग है ना ये बहुत अलग है, इसको शब्दों में शायद व्यक्त ना किया जा सके, बस फीलिंग है, फील की जा सकती है ना, लेकिन
ठीक है, आप लोगों की वजह से ही संभव हो पाया है। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दिखाऊंगी आके कि क्या कार्रवाई होती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है। बाय, लव यू ऑल।